हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे आज हम, जो कि पेज नंबर 198 के ऊपर दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है और इसको सिंप्लीफाई करना, तो जो भी आंसर आए वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से कुछ कटता है तो उसको काटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ये काट देता हूँ मैं, 3 3 जा और ये 3 5 जा। उसके बाद ये यहाँ से कट सकते हैं, 7 से कट जाएंगे। तो ये 7 4 जा और 7 5 जा, 7 और 7 7 जा। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, यहाँ से 5 अपॉन 4 हो गया मल्टीप्लाई माइनस 17 अपॉन 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद प्लस, इसको भी यहाँ से काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया है। उसके बाद ये माइनस साइन से ये माइनस साइन कट जाएगा, 19 1 जा और 19 3 जा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1/2 और मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा ये 3 से 3 भी काट देता हूँ यहाँ से, 3 से ये 3 भी कट जाएगा, तो ये क्या रहेगा, इसमें 1 रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ से भी कट जाएगा कुछ, यहाँ से तो नहीं कटेगा, चलो बाद में देख लेते हैं। माइनस 39/3 और ये 14/5 और ये माइनस 12/56, ये 3 टर्म है तो 3 टर्म एक साथ लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये माइनस का 1 रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस साइन अभी कटा नहीं था तो ये आ गया। तो इसके बाद यहाँ से इसको भी कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आएगा, ये माइनस के 85 हो गए और अपॉन 12 हो गए। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको यहाँ से करते हैं तो क्या आएगा, ये -1/2 आ जाएगा, इसको 1/2 को -1 से किया तो माइनस के 1/2 आ गए। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन था ना, उसके बाद यहाँ भी प्लस साइन है, तो इसको अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ से काटते हैं, तो यहाँ से 14 1 जा और 14 4 जा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, ये यहाँ से 1 जा और ये 3 जा, और फिर यहाँ से 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या बच गया, यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से 39 और ये -1, तो ये 39 आ गया, और अपॉन क्या रहेगा, इसमें अपॉन में हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 बचा है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ गया। ठीक है, तो ये ब्रैकेट यहीं पर ही लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ से देख लेते हैं, -85/12 -1/2 और +39/5, इसको आगे सोल्व करना है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आता है हमारा, एलसीएम आता है 60। ठीक है, एलसीएम आएगा 60, तो 12 2 और इसका, तो यहाँ पर इसको जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं 85 से, तो -425 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको करते हैं तो ये कितना आता है, यहाँ से 30 आता है, तो 30 को -1 से गया तो -30 आ गए। उसके बाद प्लस, यहाँ से करते हैं तो कितना आ गया, ये 12 आ गया, 12 को 39 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, 468 आता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हैं, तो उसको इसको जब यहाँ से अब जो सोल्व करते हैं तो 60 तो आपका नीचे रहेगा। अभी प्लस के देख लेते हैं, माइनस के देख लेते हैं, तो प्लस के तो 468 हैं और माइनस के कितने हैं, 425, तो ये और 30 ये कितने हुए, 455 हो गए, तो 455 माइनस के। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 3 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, तो ये 13/60 आ गया, 13/60 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इसको सोल्व करते हैं और हमारा जो आंसर रहेगा, सॉरी 13/60 रहेगा, 13 और उसके अपॉन में 60 रहेगा। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी इसी तरह से करना है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं, तो यहाँ से ही हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ये कितने हो गए, 12, 4 3 12, तो माइनस के 12 और ये 2 5 10 हो गए। ठीक है, फिर प्लस, ये कितने हो गए, माइनस के 90 हो गए और ये 5 3 15 हो गए। ठीक है, माइनस, अब इसको करते हैं तो 3 और ये इसको करते हैं तो ये 8 आ गया। ठीक है, फिर ये डिवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये तो कितने हो गए, ये 63 हो गए और इसके अपॉन में 9 7 63 हो गए, माइनस ये 16 7 112 हो गए और माइनस ये 14 8 112 हो गए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से कट गए, ये भी कट गए वन अपॉन वन, और ये वन अपॉन वन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ से देख लेंगे, तो ये हमारा रहेगा 12, और ये काट देते हैं, चलो नेक्स्ट में काट देते हैं, -90 और ये 15 और -3/8, और यहाँ पर ये डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा यहाँ से, ये आपका रहेगा 1 -1। ठीक है, तो यहाँ पर ये -12/10, -90/50 और ये -3/8 आ गया, और ये डिवाइड बाई क्या आएगा, 1 -1 कितना होता है 0। जब ये जो क्वांटिटीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा आपका, यानी इसके अपॉन में ये 0 लिखते हैं तो नॉट डिफाइंड आएगा, क्या आएगा ये नॉट डिफाइंड। तो आपको इसको आगे सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप सोल्व करना चाहें तो सोल्व करके देख सकते हैं, तो सोल्व करके देखना चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि कितना आता है, देखते हैं अभी, देख लेते हैं एक बार इसको, अभी स्टूडेंट्स इसको करके देखना चाहें तो यहाँ पे ही देख लेते हैं, यहाँ पे कट जाएगा तो 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 15 1 जा 15 6 जा, और तो ये यहाँ पे फिर क्या रहेगा यहाँ से, ये माइनस के आपके 6/5 हो गए, और -6/1 हो गया, और -3/8 हो गए। ठीक है, और फिर ये डिवाइड किया, डिवाइड बाई ये 0 से है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इसको जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 40 एलसीएम आ गया आपका, 40 एलसीएम आया, तो यहाँ पर देख लेंगे तो ये कितना आ गया, -48 आ गए, और यहाँ से -240 आ गए, और ये -15 आ गए। ठीक है, तो लास्ट में हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस के कितने हो गए, ये 288 हो गए, -288, और उसके बाद ये -15 है, और ये -40 है। ठीक है, और ये डिवाइड बाई 0 है, तो इसको इसके बाद हम लोग क्या यहाँ से करते हैं, तो कितना आता है, ये 303 आता है, -303 और -40, और ये डिवाइड बाई 0, तो यहाँ से जब इसको जब डिवाइड करते हैं 0 से तो ये क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। तो इसको आप सोल्व करके देखना चाहें तो सोल्व करके देख सकते हैं, बाकी इतने से भी आपका यहाँ पे मैंने बताया तो इतने से भी काम चल सकता था, क्योंकि जब 0 से आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा नॉट डिफाइंड आएगा, तो आप यहाँ से भी सीधा भी आप लिख सकते थे, और यहाँ से अगर सोल्व करके देखना चाहें तो सोल्व करके भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, सोल्व लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन रफ नोटबुक, और ये पेज नंबर 198 पे आपके दे रखे हैं, तो आपको ये सोल्व कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।